मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप सबको सभी को बधाई देना चाहता हूँ और एक कजरी महोत्सव के लिए। और ये मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे बॉम्बे में बनाई जा रही है, और ऐसा नहीं है कि यूपी बिहार के लोग यहाँ पे, आज देखा कि महाराष्ट्र के भी बहुत सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और सभी लोग एक साथ मिल के कजरी महोत्सव को बना रहे हैं, तो मुझे सबको देख के बहुत अच्छा लगा है। और जैसे मोदी जी ने मुद्दा उठाया बेटी बचाओ, तो इस बीच में उस चीज़ को भी मैंने देखा, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम लोगों को बेटी को बचाना ही है, बेटी को बचाना ही है, तो अगर कोई बेटी हमारी पढ़ी लिखी है, उस बच्ची को हम पढ़ाते हैं और उसको अच्छी शिक्षा देते हैं, तो वो खुद समझदार है, वो खुद बच सकती है, जैसे मैंने अभी अंदर जैसे सुना था। अच्छा, आपके आज के प्रोग्राम को कितना एंजॉय किया, जिस तरह से पुराने समय में गए, जिस तरह से कजरी जी जी मैंने सुना, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और ये कहना चाहता हूँ कि जैसे बुज़ुर्गों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने इसको स्टार्ट किया था, और हम लोग यूथ लोगों को आना चाहिए और अटेंड करना चाहिए। मेरे और भी फ्रेंड्स हैं और जितने एक्टर्स हैं जो न्यू हैं, अपकमिंग हैं, तो मैं चाहता हूँ कि कजरी उत्सव में वो सब लोग आए और सपोर्ट करें। और सब लोग शूटिंग करते हैं, बिजी रहते हैं, लेकिन अगर वो आके अपना 10 मिनट भी कजरी उत्सव के लिए हर साल सब लोग अपना निकाल के देंगे, तो ये जो पुश्तैनी जो कजरी महोत्सव चल रहा है, पुरखाओं से जो चले आ रहा है, तो इसको हम लोगों को ही बढ़ावा देना है। अगर हम लोग पीछे हटेंगे तो ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। तो मैं सबसे निवेदन करता हूँ यूथ से कि हम लोग सब लोगों को मिलके, जो हमारे माता हमारे पिता लोगों ने जो स्टार्ट किया है इस कजरी महोत्सव को, तो हम लोगों को सबको खड़े होना चाहिए, कंधे से कंधा मिला के, और हर समय हम लोगों को अपना टाइम निकाल के यहाँ पे हमको मौजूद रहना चाहिए।